नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर RR रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लेटेस्ट में न्यूज चल रही है सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट, IBPS जो है फिर से सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो इसमें कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके बारे में तो हमने बताया ही है, एक वीडियो हमने अपलोड किया था, वो RRB क्लर्क, RRB PO और IBPS क्लर्क से रिलेटेड हमने वो वीडियो अपलोड किया था। तो अब हम आज जाते हैं IBPS PO, जिसका एडवर्टीजमेंट ये पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। तो पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है। तो ये फॉर्म सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया था, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, फ़ी नहीं सबमिट की थी, वो लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जो जिनका फॉर्म जो है रिजल्ट की वजह से रह गया था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था और वो लोग जो है यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था और वो लोग फॉर्म को नहीं फिल कर पाए थे, वो लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये वैकेंसी जो है पहले जो है बहुत कम थी, आप देख सकते हैं ये दिया ही गया है कि पहले वैकेंसी जो है 1417 मतलब 1417 पोस्ट थी, लेकिन अब ये पोस्ट जो है बढ़ा दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं इसके बारे में भी हम जानकारी दें। तो पहले तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। ये सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट IBPS PO का है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये IBPS PO का एडवर्टीजमेंट है। तो ये दिया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ टू होल्ड एन एडिशनल साइकिल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर CRP PO। तो चलिए देखते हैं, ये हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ये जो डेट है ये 4 इसका IBPS PO का एडवर्टीजमेंट जो है 4 अगस्त 2020 को ये जारी कर दिया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग ये जो सप्लीमेंट्री जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया उसी एडवर्टीजमेंट के बेस पे ये आप लोग इस फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं। कौन कौन से, हु अटेंडेड द एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बाय 11/11/2020, मतलब जो ग्रेजुएट हुए हैं उनका रिजल्ट जो है 11/11/2020 तक आना अनिवार्य है। अगर 11 तारीख तक उनका रिजल्ट आ गया है तभी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं फिल कर सकते, उसके बाद वाले लोग जो है फिल नहीं कर सकते। दूसरा, हु कुड नॉट रजिस्टर सक्सेसफुली, जैसा कि अभी हमने बताया था जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था बट फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया था, कोरोना के चलते वो फॉर्म पेपर नहीं देने गए थे, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप IBPS की ऑफिशियल साइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम को जान सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये जो है इनका देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कब से होगा स्टार्ट। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है आज है 27 तारीख, कल 28 तारीख से और 11 नवंबर तक इस फॉर्म को आप जो है मॉडिफाई, एडिट और ऑनलाइन फिल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये 28 से लेकर 11 नवंबर तक, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट जैसा कि आपको पता ही होगा अभी 3, 10 और 11 अक्टूबर को IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था, अच्छा ही पेपर हुआ था। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, एग्ज़ाम रिव्यू देखिए लीजिए, ठीक है। और फिर जो है इसका एग्ज़ाम जो है IBPS PO का, अब एग्ज़ाम इसका जनवरी में होगा, 5 जनवरी और 6 जनवरी दो डेटें निर्धारित की गई हैं। इनका एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि ऑल दोज हु हैड अप्लाइड, जैसा कि अभी हमने बताया था, ऑल दोज हु हैड अप्लाइड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर CRP PO MT 10 फ्रॉम 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जिन लोगों ने फॉर्म को फिल किया था उनके बारे में ये चीज़ बताई गई है, एंड वर्क कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग अक्टूबर 2020 शुड नॉट अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, मतलब जिन्होंने ये फॉर्म को फिल कर दिया है और उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं और वैसे भी हमने बता ही दिया है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट नोट जो है ये भी जान लें
कि जैसा कि दिया गया है द लास्ट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज चेंज 11 नवंबर 2020। पहले जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट जो है चेंज थी, लेकिन अब जो है इसको बदल दिया गया है, ये 11 नवंबर 2020 ही कर दिया गया है। ठीक है, वो लोग इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दिया गया फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेफर द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर CRP PO MT 10 डेटेड 4 अगस्त 2020। ये जैसा कि अभी हमने दिया ही है रिवाइज्ड वैकेंसीज, और वैकेंसी भी इनकी बढ़ा दी गई। चिंता वाली कोई बात नहीं, पहले जो वैकेंसी 1417 ही थी, लेकिन अब जो है वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज कितनी हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनकी रिवाइज्ड वैकेंसीज इन्होंने बता दिया है वैकेंसी के बारे में, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ जो है ये 3517 वैकेंसी हैं। ठीक है, पहले ये वैकेंसी कम थी, लेकिन अब जो है इनको बढ़ा दिया गया है। कितनी कौन सी बैंक में है ये भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। BOB, BOI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। स्टार का मतलब ये रिवाइज्ड वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा जिसमें जीरो दिया गया है उनके बारे में, और NR दिया गया है, NR मतलब नॉट रिपोर्टेड, अभी जो है इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई, मतलब ये वैकेंसीज जो है बढ़ने की ही संभावना है, घटेंगी नहीं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन सी बैंक में है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ये कैनरा बैंक में दी गई हैं, जो कि 2100 के समथिंग में है, 2100 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो आप इनको आप फिल कर सकते हैं आप अपना फॉर्म, जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया था, या फिर आपके दोस्त वगैरह जो भी फॉर्म को नहीं फिल किए थे आप उनको जानकारी दे सकते हैं। पूरी जानकारी दीजिए और फॉर्म को फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। और जैसा कि अभी मान लो ये PO का जो भी ये मेंस के एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क को छोड़ के जो भी ये मेंस के एग्ज़ाम है, इनकी डेट भी बढ़नी ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जिनका PO का पेपर हो गया क्या उनके लिए कोई मेंस की डेट अलग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, सबके लिए डेट सेम होगी। बस ये सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट जो जारी कर दिया गया है, बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा है। जिन्होंने फॉर्म को नहीं फिल किया था उनके लिए फ़ायदा है, जो लोग फॉर्म को फिल कर चुके थे उनके लिए घाटा है। वैसे तो वैकेंसीज भी बढ़ा दी गई हैं। तो ठीक है, चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जिन्होंने मान लो अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दें। और आप IBPS PO का जो भी एग्ज़ाम ये हुआ था उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।